हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 2 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करेंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 2020 में वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट जारी की गई, इसमें शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन सी से आंसर आएगा मुथैया मुरलीधरन। वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की जो लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, 2020 का, उसमें पहले नंबर पे है, ओके, तो आपको याद रखना है मुथैया मुरलीधरन। दूसरे नंबर पे है रविंद्र जडेजा। तीसरे नंबर पे है स्टीव स्मिथ। ये भी आप याद रखिए, ओके। पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों तीनों सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे है मुथैया मुरलीधरन, जो कि टॉप पे है इस लिस्ट में, वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट में 2020 का। तो आप इसको इमेज में देखिए, ये है मुथैया मुरलीधरन जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ओके। यही है इस बार का जो है प्लेयर के, जो वैल्यूएबल प्लेयर की जो लिस्ट जारी किया गया उसमें पहले नंबर पे, तो आपको याद रखना है, ओके। इनका जो जन्म हुआ 17 अप्रैल 1972 को हुआ, कैंडी श्रीलंका में। टेस्ट में डेब्यू किया इन्होंने 28 अगस्त 1992 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ओके। तो आप इतना याद रखिए मुथैया मुरलीधरन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तमिलनाडु के किफायती आवास परियोजनाओं के लिए किस बैंक ने $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो किस बैंक ने? ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने तमिलनाडु के किफायती आवास परियोजनाओं के लिए क्या दिया है, $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु और विश्व बैंक की, दोनों के बारे में जानेंगे बैक टू बैक, ओके। तो तमिलनाडु, ठीक है, सबसे पहले आप तमिलनाडु के बारे में जानिए। ये है मैप में तमिलनाडु, ठीक है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु का जो है कैपिटल है चेन्नई, ओके। चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में एडापड्डी के पलानी स्वामी, ओके। कौन से पार्टी से हैं? तो ये पार्टी से है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ओके। पार्टी का नाम याद रखिए, पार्टी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है पार्टी का नाम? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में बनवारी लाल पुरोहित और चीफ जज यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है अमरेश्वर प्रताप शाही। राज्यसभा सीट की संख्या 18 है, लोकसभा सीट की संख्या 39 है, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। फोल्क डांस यहाँ पे है भारत नाट्यम कड़गट्टम, ओके ओके। और यहाँ पे क्या है बाउंड्री जो है, कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है? 3 राज्यों से, कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टेट्स रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ओके। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको याद रखना है सारी चीजें, ओके। अब बात यहाँ पे रह गया विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक के बारे में हम जानेंगे। विश्व बैंक का स्थापना हुआ जुलाई 1944 में, कब हुआ? जुलाई 1944 में, ओके। और यहाँ पे प्रेसिडेंट है विश्व बैंक का, प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। और यहाँ पे एमडी एंड सीएफओ है, एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। और यहाँ पे मोटो पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का, मोस्टली एग्जाम में मोटो पूछा जाता है, क्या है मोटो? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ओके। तो आप मोटिव भी याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में जारी द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? ये एक्चुअल में लेखिका है, ओके, लेखक नहीं है। तो कौन है यहाँ पे? ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा डॉक्टर अदिशा दास। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक के क्या है? लेखक है, ओके। तो आपको याद रखना है क्योंकि पुस्तक और लेखक, ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुक्स एंड राइटर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब जानिए डॉक्टर अदिशा दास को, आप इमेज में देखिए यहाँ पे, ये है डॉक्टर अदिशा दास, इन्होंने ही लिखा है ये बुक को, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ, ओके। तो आप इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? ठीक है, अभियान एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो किस राज्य ने? ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो राज्य सरकार है उन्होंने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, तो आपको याद रखना है 2020 का अभियान है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश का जो मैप में, ठीक है, नक्शा आप देख लीजिए, ठीक है। इनका जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। कैपिटल क्या है? भोपाल। कौन है? भोपाल। गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में लालजी टंडन, लेकिन आनंदीबेन पटेल इनका अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुकी है, ठीक है, गवर्नर का मध्य प्रदेश का। चीफ जज यहाँ पे है अजय कुमार मित्तल और राज्यसभा सीट की संख्या 11 है, लोकसभा सीट की संख्या 29, विधानसभा सीट की संख्या 230, फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य, तीर्ताली, चारकुला तथा मटकी डांस, आपको याद रखना है। बाउंड्री यहाँ पे कितना राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है? 5 राज्यों से, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान
और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कुल 5 राज्यों से शेयर करते हैं। तो ये भी याद रखिए क्योंकि जियोग्राफिकली स्टेट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 36वां आसियान, ठीक है, आसियान यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, ऐसे रहेगा इंग्लिश में आसियान, ठीक है। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है आसियान, ठीक है। तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किस देश में किया गया, किस देश में किया गया, ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा वियतनाम, वियतनाम में किया गया 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, इसके चलते सभी वर्चुअली हो रहा है, आपको भी पता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसका जो 36वें नंबर का है वियतनाम में हुआ, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आसियान से, क्या बनता है क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। और इसका स्थापना पूछा जाता है 8 अगस्त 1967 को हुआ, कब हुआ, 8 अगस्त 1967 में, ओके। हेडक्वार्टर है जकार्ता, जकार्ता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो आपको याद रखना है, ओके। अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में एशियन का ली सिन लुंग, कौन है, ली सिन लुंग। और यहाँ पे महासचिव है लिंग जैक होई, कौन है, लिम जैक होई। तो इतना आप एशियन के बारे में याद रखो। अब रहेगा यहाँ पे बात वियतनाम का, तो हम इसके बारे में जानते हैं, मैप में देखिए आप, ये है वियतनाम जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, थाईलैंड के नीचे है, दक्षिण चीन सागर के पास में है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये कैपिटल है इनका हनोई, ठीक है। कैपिटल एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी कंट्री का जो हमारे भारत से बिलोंग करते हैं किसी किसी कारण से, ठीक है, रिलेशनशिप बनता है, उनका कैपिटल जो है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है न्यूगेन फू त्रोंग, ठीक है, न्यूगेन फू त्रोंग, आपको याद रखना, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा, टफ है थोड़ा सा लेकिन याद हो जाएगा। करेंसी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, वियतनाम का करेंसी है वियतनामी दोंग, ठीक है, तो करेंसी आप रखिए याद, वियतनामी भूल जाइए, दोंग को याद रखिए, याद हो जाएगा। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है वियतनाम, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, जहाँ पे पहला आया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, तो अलर्ट हो जाइए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, ऑप्शन सी सी आंसर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली में खोला जाएगा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, ये भी आप याद रखिए, और इसका पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में कोविड-19 से जो मरीज है, ठीक है, उनको जो है प्लाज्मा डोनेट करने के उद्देश्य से प्लाज्मा बैंक खोला जा रहा है, ठीक है, इसमें कोविड-19 के मरीजों का इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले अब बात यहाँ पे दिल्ली आए है ना, तो दिल्ली के बारे में जानिए आप, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल, ठीक है, इतना याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जून 2020 में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए, पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जून 2020 में, तो किसे किया गया, 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है, तो 29 जून को दिया गया पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। किसको दिया गया, सी, ठीक है, चक्रवर्ती रंगराजन को, सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो आपको याद रखना है, चक्रवर्ती रंगराजन को क्या दिया गया, पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से, ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात है यहाँ पे चक्रवर्ती रंगराजन का है, तो आप इसको इमेज में देख लीजिए, ये है चक्रवर्ती रंगराजन, ठीक है, इन्हीं को दिया गया पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 में, ठीक है, जून 2020 में। तो अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, तो 5 जनवरी 1932 को इसका जन्म हुआ तमिलनाडु में, ठीक है। अवार्ड इनको मिल चुका है पद्म विभूषण, क्या मिला है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये पुरस्कार दिया गया है पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एथलीटों के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है, किस नाम से किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाडा, किस नाम से, नाडा, नाडा के नाम से भारत के जो खेल मंत्री है, ठीक है, आपको याद रखना है, एथलीटों के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया, तो नाडा, ठीक है, तो आपको याद रखना है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। स्थापना हुआ 24 नवंबर 2005 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और प्रेसिडेंट है नवीन अग्रवाल, कौन है, नवीन अग्रवाल, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, ओके, आपको याद रखना है, 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और मनाया जाता है एक और डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ओके, तो आपको याद रखना है। जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ओके, थैंक यू सो मच।